बाहुबली जानते हैं आप लोग जी? ए बाहुबली जानता है गुटका जो अभाव साला उठका गुटका का नाम लेता है हमारा सामने। बाहुबली क्या है तुरे, क्या है तुम पर भसवा, कुछ नहीं हो तुम। पहले के जो राम जी लक्ष्मण जी सीता जी थे उनको देखते थे आए तुम झलकता था कैसा, तो हमारा कहना में कि अभी सीता मैया के गर्दन काट देवल गए, कैसा कैसा सीन बनाया भाई, माने फिल्म दिखाने के लिए वो आइटम सॉन्ग डाल देती है। पुष्पक विमान के बारे में बोला गया उसमें क्या कहिए? नहीं पुष्पक विमान विमान तो था ही, लेकिन चमगादड़ रही अंगड़ा बंगड़ा दिखा दिया है, कुत्ता बिल्ला दिखा देता ना भाई से। रामायण में तो पुष्पक विमान था, इसमें चमगादड़ क्या दिखा? अरे कुछ भी दिखा सकता मेरे भाई, जब हनुमान जी से उल्टर पटर बोलवा दिया है लोग, कुछ भी दिखा सकता था। ठीक है आप सैफ अली खान जी, आप बहुत अच्छा कलाकार हैं बॉलीवुड के लिए, लेकिन आपको छपड़ी बना दिया। अगर ये चाहते तो नहीं बोलते ए भैया डायरेक्टर साहब हमारा हमारा लक्ष्मण जी का रोल देता है, बढ़िया काम करते ना आप, बने भी तो रावण, रावण भी बने तो बाल उल कट्टर लगता है साला हमरा देने के, एक से एक देखे हमारे पीछे भी खड़ा बाल उल कटैले ओकरा एक मतलब ओकरा से तो बड़का है, मतलब गुस्सा भी आ रहा भैया हम कह रहे चीर फाड़ देंगे साला, सामने मिल जाएगा ये हमको, पर भसवा का बोल रहे थे अभी एक कलाकार है, कलाकार है तो का मैंने हमको मैंने माई बहन करके कलाकारी करे पूरी के कलाकार है बॉलीवुड में, आप भी जाने का कोशिश है प्रभास दक्षिण से, हम बॉलीवुड में जाने कोशिश नहीं कर रहे हैं, बॉलीवुड के दो चारों के बजावे ला कोशिश कर, बॉलीवुड में नहीं जाना बजावे ला कोशिश कर रहे हैं, जैसे हे बकरी के जन्मल एगो तोरा आई एगो जो अपने आपको किंग खान कहता है, एगो कौन सलमान खान जो है। नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूँ आपके साथ, असलम अब्बास आदिपुर सिनेमा घरों में आ चुका है, लोग जिस तरीके से दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे तो आ भी गया, लेकिन जिस तरीके से उसमें कलाकारों ने दिखाया है जो उसमें चलचित्र में कलाकारी बताएगा उसको लेकर लगातार विवाद हो रहा है, खास करके जिस तरीके से प्रभास ने अपनी अभिनय दिखाया, दूसरी तरफ रावण के रूप में सैफ अली खान ने जो रोल निभाया है उसको लेकर लगातार विवाद हुआ। आज हमारे साथ भोजपुरी के कलाकार समीर चौधरी हैं, हम उनसे जाने कि सिनेमा में क्या कुछ अलग है, क्या कुछ खराब हो गया या फिर किस तरीके से आहत हो रही है संभावनाएं या वेदनाएं लोगों को, उस पर हम जानेंगे। समीर जी सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। ये जो आदिपुर जो प्रभास का फिल्म आया है, लोग जा रहे हैं सिनेमा घरों में लेकिन जाने के बाद लोग गुस्सा में हो जाते हैं। आपका नाम क्या है भाई जी? मेरा नाम असलम अब्बास है। असलम भाई, असलम भाई से हम ये कहना चाहेंगे अगर प्रभास के जगह अगर कोई असलम भाई टाइप का कोई आदमी रहता तो ये बड़का विरोध हो जाता, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम को यहाँ देखता है, लेकिन हम पूछते हैं उन तमाम हिंदू से, मैया का चूड़ी पहन लिया है कि बहनिया का पायल पहन लिया है, आखिर में वो मुसलमान भाई जो हमारे साथ आज़ादी में लड़ाई लड़े थे, तनी सुन कुछ होबा हो कि तुरंत में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई ले ले, अभी प्रभसवा मौसा है तुम लोग का, कौन है प्रभसवा, कौन है तुरे प्रभसवा, तुमको जूता चला के मारेंगे, समीर चौधरी खुला चैलेंज कर रहा है, पटना के गंगा ड्राइव पे खड़ा है, इनकम टैक्स हमारे गोलम्बर घर पहुँच भी सके आके, हमारा का नाम है कि हमारे धर्म को गाली देने का काम किया है ये, हमारे श्रीराम प्रभु को गुस्सा में दिखा के ये दिखाने। लेकिन पहले दिन तो हाउसफुल चल रहा है जी। अरे भैया मेरे हाउसफुल अधर्मी, यहाँ पोर्न वीडियो देखे हैं, देखिएगा बड़ी लंबा लंबा ओकरा व्यूवर्स रहता है, एकरा माने का चाहते हैं सब आदमी देखता होगा नहीं ना, तो हमारा कहना में कि सबसे पहले तो तू नाम गलती लिख ले ठीक है, तू आदि पुरुष लिख ले एकरा हमारा कोई रोक टोक ना हो, लेकिन उस जगह पर अगर तू रामायण उमायण लिख देते तोरा बड़ी आप मतलब क्या बोले बोलने मतलब गुस्सा भी आ रहा भैया हम कह रहे चीर फाड़ देंगे साला, सामने मिल जाएगा ये हमको, पर भसवा का बोल रहे थे अभी एक कलाकार है, कलाकार है तो का मैंने हमको मैंने माई बहन करके कलाकारी करे, किसी के धर्म को गाली देके करे, कोई हम जाति धर्म करके करे क्या, कभी समीर चौधरी को देखे किसी के गाली देते हुए किसी के साथ जाति धर्म करते हुए, तो जिस तरीके से खास करके रावण के रूप में सैफ अली खान को दिखाया गया एकदम दबंग स्टाइल में, किस तरीके से मैंने रामायण, ठीक है आप सैफ अली खान जी आप बहुत अच्छा कलाकार हैं बॉलीवुड के लिए, लेकिन आपको छपड़ी बना दिया, आपको LL लगा दिया, मैंने समझते हैं मैंने समझ गया होगा जनता हमारा का नाम है कि ये एक बहुत अच्छा कलाकार है, अगर ये चाहते तो नहीं बोलते ए भैया डायरेक्टर साहब हमारा हमारा लक्ष्मण जी का रोल देता है, बढ़िया काम करते ना आप, बने भी तो रावण, रावण भी बने तो बाल उल कट्टर लगता है साला हमारा देने के, एक से एक देखे हमारे पीछे भी खड़ा बाल उल कटैले ओकरा एक मतलब ओकरा से तो बड़का है, तो हमारा का नाम है कि तरीका से काम कीजिए, अगर फिल्म बना रहे हैं तो समाज को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का काम मत कीजिए, ये समाज को तोड़ने का काम किया गया है, यहाँ पे हमारे रामायण के नाम पे पैसा कमाने के लोग काम कर रहा है, कल हो के अगर ये लोग को बढ़ावा दिया जाएगा तो कभी ये लोग कुरान पे कुछ बना देंगे, कभी कुछ बना देंगे, अभी तमाम हिंदू मुस्लिम भाई लोग को मिल के अपने बिहार और हमारे हिंदू धर्म को बचाने का काम करना है। तब प्रभास ने बाहुबली में तो अच्छा कलाकारी दिखाया था जी, लोग पसंद किए थे, फिर लोग आदि पुरुष में ऐसा क्या लग रहा है? अरे भैया तो बाहुबली बाहुबली है, बाहुबली तो जा 5 रुपया खा के थूक दे जा पड़े, आए बाहुबली खाए हैं आप, ऐसे कीजिए दतवा, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, बाहुबली बाहुबली जानते हैं आप लोग जी? ए बाहुबली जानता है गुटका जो अभाव साला उठका गुटका का नाम लेता है हमारा सामने, बाहुबली क्या है तुरे, क्या है तुम पर भसवा, कुछ नहीं हो तुम,
तुम खाली झंडू छाप आदमी हो, तुम एगो बाहुबली बना दिया। खुदा ना खासे VFX फिल्म ऐसे भी ठीक ठाक चल जाता है, काहे कोकरा में भैया सीन कम आ ज्यादा VFX यूज करता है। तो हमारा कहना है कि रामायण के नाम पे ये जो बेचने का काम किया सरासर अन्याय है भैया, गलत बात है। तमाम बिहार वासियों को एक होकर इस पे रोक लगाना चाहिए। हम तो कहें कि फिल्म का बहिष्कार कीजिए आप लोग, और बहिष्कार ऐसे नहीं 500 का टिकट कटा कर जाइए जरूर, लेकिन जैसे पर्दा पे फिल्म आवे कि सारा जूता चला दीजिए लगाइए। लोगों को भड़का रहे हैं। हाँ, तमाम लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप पर्दा जला दीजिए, फिल्म का समीर चौधरी 10-10 लाख रुपया देगा। जे पर्दा जे जला के आएगा 10 लाख समीर चौधरी देगा। इतना भड़का है मां। अरे भैया के बात, अब बोलिएगा 10 लाख कहाँ से लाएगा, तो किडनी दुदू है ना भैया, ये को जरूर बेच देंगे, 10 लाख देंगे, हमको खुशी होगा कि हमारे भगवान के लिए किसी ने ऐसा किया। कृति सेनन जिस तरह से अभिनय की है फिल्म में, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अभिनय पहले के जो राम जी लक्ष्मण जी सीता जी थे उनको देखते थे, एकदम झलकता था कैसा। तो हमारा कहना है कि अभी सीता मैया के गर्दन काट देवल गए, कैसा कैसा सीन बनाया भाई, माने फिल्म दिखाने के लिए वो आइटम सॉन्ग डाल देती है, साला चोली ढोड़ी कर देता है तो तनी फिल्म में और आगे बढ़ जीतू। हल याद रखिए, बता दियो, कोई के ऊपर वाला बख्शेगा नहीं, राम जी के बारे में बोले हो, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता। अच्छा, जिस तरीके से विमान को दिखाया है, पुष्पक विमान के बारे में बोला गया है, उसमें क्या कहिए? पुष्पक विमान विमान तो था ही, लेकिन चमगादड़ रही अंगड़ा बंगड़ा दिखा दिया है, कुत्ता बिल्ला दिखा देता ना भाई से। रामायण में तो पुष्पक विमान था, ये चमगादड़ क्या दिखा? अरे कुछ भी दिखा सकता मेरे भाई, ये कुछ भी, जब यहाँ सीता मैया के गर्दन काटने दिखा सकता, राम जी से जब हनुमान जी से अल्टर पटर बोलवा दिया है लोग, कुछ भी दिखा सकता था, कुछ भी दिखा देगा, कुछ भी दिखा। अच्छा, समीर चौधरी बॉलीवुड कलाकार तो नहीं, भोजपुरी के कलाकार हैं, बॉलीवुड में आप भी जाने का कोशिश? प्रभास दक्षिण से आप बॉलीवुड में जाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, बॉलीवुड के दो चारों के बजावे ला कोशिश कर रहे हैं, बॉलीवुड में नहीं जाना, बजावे ला कोशिश कर रहे हैं, जैसे हे, 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 बकरी के जन्मल एगो तोरा, एगो जो अपने आपको किंग खान कहता है, एगो कौन सलमान खान जो है। तुम लोग जब सुशांत सिंह को जब सुसु कहा था ना, उसी समय समीर चौधरी का दम झड़क गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिहार का लाल है। समीर चौधरी नहीं जाएगा बॉलीवुड? ये भैया बॉलीवुड में हमरा जाना ही नहीं है, ऐसे ऐसे मतलब बॉम्बे गए हैं आप, जाइएगा ना बॉम्बे, तो यहाँ देखे में लगा पोता पोती के साथ घूम रहा है कि साला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा है, मैंने वहाँ मतलब संस्कार का दम लेला छिद्दी कर दिया है। जाइएगा वहाँ जुहू बीच कहाँ कहाँ ऐसा ऐसा बच्ची तनी तनी को देखेगी 10 साल में मतलब पूरा संस्कार की माँ बहन एक हमको ऐसे जगह नहीं ना, नहीं हमारा बिहार बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो आखिरी सवाल है कि आदि पुरुष सिनेमा के बारे में क्या कहिएगा, लोग जाए देखने की नहीं जाए? नहीं नहीं देखने जाना चाहिए, तमाम भाई को बोलते हैं आप लोग भी फिल्म कोई देखने मत जाइए, तमाम भाई लोग फिल्म का बहिष्कार कीजिए। देखने पे बर्थडे मनाता है। गुस्सा नहीं रहेगा भैया, अगर अगर ऐसा कोई नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमारे रामायण का जगह किसी गीता पे भी रहता तो समीर चौधरी बड़का विरोध करता, हुआ तो दांत मुंह झाड़ देते भैया। भगवान की भक्ति से मजाक मत कीजिए आप लोग, क्योंकि ऊपरे वाले के लाठी में भैया आवाज नहीं होता है। तो ये समीर चौधरी थे, भोजपुरी कलाकार, आदि पुरुष सिनेमा को लेकर इनके अंदर कितना गुस्सा है, कितना ही नाराज है। सिनेमा में जिस तरीके से अभिनय किया गया, कलाकारी के द्वारा कलाकारी की गई है, दिखाया गया, उसको लेकर काफी क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोग आखिर इस तरीके से क्यों दिखाने के लिए सोच जा लेते हैं, चाहे वो प्रभास कुमार कलाकार की बात हो या फिर कीर्ति सेनन या सैफ अली खान। समीर चौधरी को आपने सुना है, भोजपुरी के कलाकार हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। आप आदि पुरुष सिनेमा के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर पहुँचाइए। दूसरी खबर के लिए लाइव बिहार के साथ बने रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।